ओके गाइस, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार। आज की जो हमारी टॉपिक है, आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग को बातचीत करना है, मैंने आपसे कहा था कि सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी। तो जो आज हम लोग ये क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो क्लास रिकॉर्ड करेंगे रीजनिंग में, और रीजनिंग का एक टॉपिक है घड़ी। घड़ी की चर्चा आज हम लोग करेंगे क्लास में। घड़ी पर कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कितने तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, इजी से इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्लास में देखेंगे आज। तो गाइस, चलो देखते हैं कि घड़ी पे क्या क्वेश्चन बनता है। सीधी बात, नो बकवास, है ना। सीधा पढ़ाई की बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। जैसे आज का जो टॉपिक हमारा है घड़ी है, और घड़ी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, क्लॉक कहते हैं। बच्चों, जो समझने की बात है, तो घड़ी पे आज तक कुल 8 टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। 8 तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन आता है, जो पहला प्रकार हो सकता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई घड़ी में एक समय दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि टाइम दिया है 12:20, या समय हो रहा है 1:40, या मान लीजिए टाइम हो रहा है 2:45। तो जब ये टाइम होता है, तो घड़ी की सुइयाँ भाई एक कोण का निर्माण करती हैं। जैसे एक एग्जांपल पर देखें, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपकी घड़ी है, और अगर समय हो रहा है 1:40, तो निश्चित रूप से जो घड़ी का जो सुई होगा, वो कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है, कि ये कोण आपको फाइंड करना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन आता है जो हम लोग कह सकते हैं कि घड़ी में घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, जो हमारा पहला प्रश्न बनता है, जो पहले प्रकार का प्रश्न बनता है, वो प्रश्न ये है, घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। तो पहला आप लिखेंगे, पहला प्रकार, प्रकार एक, घड़ी की दो सुइयों के बीच, घड़ी की दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, ये पहला क्वेश्चन होता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि घड़ी की सुइयों के बीच जो विस्थापन है, यानी कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है, अगर मान लीजिए कि वह 180 डिग्री घूमती है, तो घंटे की सुई में कितने डिग्री का विस्थापन होगा। या क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड वाली सुई पर क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है, लेकिन यदि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि यदि सेकंड वाली सुई 360 डिग्री का विस्थापन करती है, कि दूरी तय करती है, या 360 डिग्री घूमती है, तो बताइए कि मिनट वाली सुई में कितने डिग्री का अंतर आएगा, यानी कि जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री आगे बढ़ जाएगी, या कितना डिग्री घूम जाएगी। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो घड़ी की एक सुई की तुलना में दूसरी सुई के बीच में कितने डिग्री का विस्थापन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि दो सुइयों के बीच का विस्थापन, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि दो सुइयों के बीच में एक सौ अस्सी डिग्री का कोण ज्ञात करना, 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो चौथा प्रकार बनता है, वो ये हो सकता है कि दो सुइयों के बीच में नब्बे डिग्री का कोण ज्ञात करना, 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना, ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा जो पांचवा क्वेश्चन बन सकता है, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना,
जीरो डिग्री का कोण ज्ञात करना। जो छठवां क्वेश्चन हो सकता है, 90 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, जो छठवां क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, वो दर्पण पर आधारित प्रश्न हो सकता है, दर्पण प्रतिबिंब पर, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न हो सकता है। वो अभी मैं आप सबसे इन सब चीज़ों पे चर्चा करूँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, लेकिन अभी जो टाइप है हम उनकी चर्चा कर लें, देख लेते हैं कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सातवां क्वेश्चन हो सकता है, जल प्रतिबिंब पर क्वेश्चन हो सकता है, जल प्रतिबिंब पे क्वेश्चन बनता है, तो घड़ी का जल प्रतिबिंब देख लेते हैं। जो आठवां हो सकता है, घड़ी की सुइयों को काल्पनिक रूप से हम दिशा मान लें, घड़ी की सुइयों को काल्पनिक दिशा मान लेना, तो जो आठवां प्रकार हो सकता है, घड़ी की सुई को काल्पनिक दिशा मान लेना और उस पर फिर प्रश्नों को ढूंढना। जो नवा प्रकार हो सकता है बच्चों, घड़ी का तेज या मंद होना। अब इसके भी दो प्रकार हो सकते हैं, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो जब भी आप लोग वीडियोस को देखते हो तो वीडियोस को पॉज करके आप अपना ये सिलेबस लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये हमारा वो प्रकार है जो घड़ी पर क्वेश्चन बनते समय ध्यान में रखना चाहिए। इतने तरह के क्वेश्चन अभी तक घड़ी पर बने हैं और ये अगर आपने सीख लिया है तो लगभग आप 99% क्वेश्चन को घड़ी पर आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत विचित्र ढंग से पूछे जाते हैं, यदि वैसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य रहा, तो आप लगभग 99% चीज़ों को कवर कर लेंगे घड़ी पर। घड़ी पर इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, घड़ी पर इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप इसको तैयार करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो अब इसके बाद जो है, अब देखते हैं जरा हम लोग घड़ी है क्या, घड़ी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और घड़ी पर जो है विस्तृत चर्चा करते हैं कि घड़ी है क्या। आप पॉज करके इस सिलेबस को नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है गाइस। देखिए, घड़ी जो होती है वो घड़ी किसी भी आकार की हो, चाहे मान लीजिए कि किसी लोग के यहाँ, किसी किसी घर में ऐसे ट्रायंगल शेप की घड़ियाँ होती हैं और बीच में ऐसा राउंड उनका डायल होता है। कभी कभी आप देखें तो किसी के यहाँ जो है वर्गाकार घड़ी होती है, और कभी आप देखेंगे तो आयत के आकार की घड़ी होती है, कुछ इस तरह की जो घड़ियाँ होती हैं पेंडुलम वाली, यहाँ पर जो है वो घड़ी है और नीचे आपका कुछ ऐसा पेंडुलम लटका हुआ है जो मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट बच्चों। और कभी कभी घड़ी आप देखेंगे तो सर्कुलर भी होती है, गोल भी होती है। घड़ी दुनिया में किसी आकार की हो, घड़ी दुनिया में किसी आकार की हो, जब भी हम घड़ी को पढ़ते हैं तो हमेशा उसको सर्कुलर ही मानते हैं, हमेशा उसको हम लोग वृत्त में ही मानते हैं। वृत्त में क्यों मानते हैं? क्योंकि घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो एक वृत्ताकार पथ में चलती हैं। अब अगर यदि इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ भी जो सुई होगी वो वृत्ताकार पथ पर ही चलेगी, अगर यहाँ पर भी घड़ी है तो इसकी जो सुइयां होंगी वो वृत्ताकार पथ पर ही चलेंगी, यहाँ पर भी जो सुई होगी वो वृत्ताकार पथ पर ही चलेगी। तो घड़ी की सुई जो चलती है वो हमेशा वृत्ताकार पथ पर चलती है, इसीलिए हम लोग घड़ी को हमेशा सर्किल में मानते हैं, सर्किल में लेते हैं, या उसको हम लोग वृत्त में लेते हैं। तो ये तो पहली अवधारणा है कि भाई हम घड़ी को
हमेशा सर्किल ही क्यों मानते हैं। ये हमारी पहली अवधारणा है कि हम घड़ी को हमेशा सर्किल ही क्यों मानते हैं। इसलिए हम मानते हैं क्योंकि उनकी सुइयां हैं वो हमेशा 360 डिग्री ही घूमती हैं, एक सर्कुलर पाथ पे चलती हैं, इसीलिए जो है हम लोग घड़ी को हमेशा सर्कुलर लेते हैं, राइट। तो हम जितनी भी घड़ी को पढ़ेंगे, हम घड़ी पर जितने भी क्वेश्चन को करेंगे, वो सभी क्वेश्चन हम लोग कैसा मान के करेंगे, सर्कुलर मान के करेंगे, यानी कि वृत्ताकार पथ वृत्ताकार मान करके हम लोग करेंगे। तो देखिए मेन मुद्दा ये है कि घड़ी है क्या। अगर आप देखें तो मान लीजिए कि ये एक घड़ी है, और इस घड़ी में अगर आप देखें, इस घड़ी में अगर आप देखें तो यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे 9 होता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये 11 है। आप अगर यहाँ से देखें, अगर आप इस डॉट बिंदु को ले लें, अगर आप इस पॉइंट को ले लें, ये आपका केंद्र बिंदु है, और मान लीजिए कि इसके अंदर जो होती है एक छोटी सुई होती है, और मान के लीजिए तो सच है कि इसके अंदर दो दो तीन सुइयाँ होती हैं, और एक सुई ये बड़ी वाली है। हम लोग छोटी वाली सुई को घंटे की सुई कहते हैं, छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं, और जो बड़ी वाली सुई है इसको हम लोग मिनट की सुई मानते हैं, और एक सुई होती है जो पतली वाली होती है, सेकंड वाली सुई, ठीक है। ये है मान लीजिए ये जो सुई है ये सेकंड की सुई है। हालांकि जब भी हम लोग प्रश्न को लगाते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है उसमें सेकंड वाली सुई पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, जो क्वेश्चन बनता है वो घंटे की सुई और मिनट की सुई पर। जो ये सुई होगी ये हमारी मिनट की सुई है, मिनट की सुई है, और जो ये छोटी सुई है ये घंटे की सुई है। बच्चों ये किसकी सुई है, घंटे की सुई है। आप लोग लगभग सभी लोग घड़ी देखना जानते होंगे, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप में से अधिकांश लोग समय देखना जानते होंगे, समय को आप लोग देख सकते हैं इजीली। तो आप लोग को ये सब बताने की जरूरत नहीं घंटा मिनट क्या है, लेकिन आप इतना जानो कि छोटी सुई घंटे की होती है, बड़ी सुई मिनट की सुई है, और ये जो डॉट मैंने बनाया है ये सेकंड की सुई है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये घंटे की सुई है छोटी वाली, ये मिनट की सुई है, और ये सेकंड की सुई है। बच्चों एक बात छोटी सी समझना, जरा आप इस चीज़ को समझना कि जब भी ये सुई घूमती है, जो बड़ी सुई है मिनट की सुई है, जब भी ये घूमती है तो अगर एक बार 12 से घूम के दोबारा 12 पर आ जाए तो ये पूरा इतना घूमा, इसने ये पूरा इतना घूमा है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है। एक बात समझो कि अगर ये 12 से घूम करके और फिर से 12 पर आ जाए तो ये 360 डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री के कोण पर इतना ये चीज़ बना है, बड़ी सुई 360 डिग्री घूम रही है। तो जो छोटी सुई होगी घंटे की सुई होगी वो 12 से उठ करके और कहाँ पर आ जाएगी, एक पर आ जाएगी, यानी कि अब जो छोटी सुई होगी वो कुछ इस तरह की होगी। समझने की बात एक ये है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कोई भी सुई अगर पूरा एक चक्कर मारती है, 12 डिजिट घूमती है, तो 360 डिग्री कोण बनाती है, लेकिन इसमें कुछ सापेक्षिक बदलाव होता है। सापेक्षिक बदलाव का मतलब ये है कि अगर बड़ी सुई मिनट की सुई 360 डिग्री घूमेगी तो छोटी सुई में भी कुछ डिग्री का अंतर आएगा, यानी कि छोटी सुई भी जो है कुछ डिग्री घूम जाएगी। आप देखिए कि अगर 360 डिग्री घूम रही है तो एक्चुअल में जो बड़ी सुई है वो कितने डिजिट्स को पार कर रही है, तो 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से हम देखेंगे तो 12 खाने हैं। जैसे एक खाना ये हो गया, दूसरा खाना ये हो गया, तीसरा खाना ये हो गया, चौथा खाना ये हो गया, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये, 9, 10, 11, 12 खाने हैं। यानी कि हम 360 डिग्री को अगर हम 12 से भाग दे दें तो 12 × 36 = 30 डिग्री, यानी कि एक खाने की जो वैल्यू है वो कितना डिग्री है बच्चा, 30 डिग्री। यानी कि अगर कोई सुई 12 से 1 पर आती है तो वो 30 डिग्री की दूरी तय करती है, यानी कि 30 डिग्री का उसके अंदर विस्थापन होता है या 30 डिग्री का उसके अंदर मूवमेंट होता है। अगर कोई सुई 12 से 2 पर आती है तो कितने खाने चलती है, 1 और 2, यानी कि 30 60 डिग्री घूमती है। अगर कोई सुई 12 से 3 पर आ जाए तो इसका मतलब जो ये जो एंगल बनेगा बच्चा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, यानी कि 3 खाने की दूरी तय करती है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मेरी बात आपके समझ में आ रही है, यदि नहीं आती है तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, राइट।
बच्चों देखो, मैं टीचर इस टाइप का हूँ कि मैं बहुत प्यार से इत्मीनान से बातों को बोलना पसंद करता हूँ। ज़्यादा हो हल्ला हमें नहीं आता है, ज़्यादा जो चिल्लाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये सब सिस्टम हमारी समझ से बाहर है। पढ़ाने का मतलब ये है कि आप पढ़ो और मैं पढ़ाऊँ, आप सीखो मैं सिखाऊँ, बस यही प्रोसेस होना चाहिए। वो बिज़नेस व्यवसाय दृष्टिकोण एक अलग चीज़ है कि जल्दी जल्दी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ड्रामा तो करने आए नहीं है, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, ड्रामा तो नहीं करने आए ना यहाँ पे। तो आप पढ़ना चाहते हो, हम पढ़ाना चाहते हैं, तो ज़्यादा वो ओवर एक्टिंग वाली बात बेटा हो नहीं पाती हमसे। तो हम टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ो, जो जिसकी ज़रूरत है उस चीज़ को सीखो समझो। तो मैंने आपसे कहा अभी कि जब भी कोई सुई एक यूनिट घूमती है, यानी कि 12 से 1 पर आएगी, तो 30 डिग्री का विस्थापन होगा। वही सुई अगर 1 से 2 पर आए, फिर 30 डिग्री का है, 2 से 3 फिर 30 डिग्री का है, और इस तरीके से हर एक 5 मिनट की दूरी पर एक सुई जो है 30 डिग्री का विस्थापन कर लेती है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी सुई है जब वो 360 डिग्री घूमती है तो छोटी सुई 30 डिग्री घूमती है? अगर हम आपसे एक बात कहें कि कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि अगर बड़ी सुई 360 डिग्री घूमती है तो छोटी सुई या घंटे की सुई में 30 डिग्री का विस्थापन होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी बड़ी सुई एक चक्कर मारेगी तो छोटी सुई 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, जब भी बड़ी सुई एक चक्कर मारेगी छोटी डिग्री फिर 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। यदि मान लीजिए कि जो बड़ी सुई है, यदि बड़ी सुई है वो 180 डिग्री घूमे तो छोटी सुई जो होगी वो कितना घूमेगी बच्चों? अगर हमने इसका आधा किया है तो इसका भी आधा कर दीजिए, 15 डिग्री घूमेगी। अगर बड़ी सुई अगर 90 डिग्री घूमती है तो छोटी सुई इसका भी आधा कर दीजिए, 7.5 डिग्री घूमेगी। अगर मान लीजिए बड़ी सुई 30 डिग्री घूमती है तो छोटी सुई 2.5 डिग्री का विस्थापन करेगी। आप इसको 1 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं, आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये याद करने का सबसे आसान तरीका है, तो उस तरीके पर हमको काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बड़ी सुई जो है वो 12 से 1 पर आती है, यानी कि मिनट की सुई 12 से 1 पर आती है, तो जो छोटी सुई है उसमें 2.5 डिग्री का चाल आएगा, यानी 2.5 डिग्री वो घूम जाएगी। बच्चों अगर बड़ी सुई मिनट की सुई 12 से 3 पर आती है, यानी 15 मिनट की दूरी तय करती है, तो छोटी वाली सुई 7.5 डिग्री घूम जाएगी दाई तरफ। अगर बड़ी सुई मान लीजिए कि 45 मिनट की दूरी तय करती है तो जो छोटी सुई होगी वो कितनी दूरी तय करेगी? बच्चों अगर मान लीजिए कि बड़ी सुई जो है 45 मिनट, इसका मतलब कितना हो गया, 45 मिनट का मतलब हो गया 270 डिग्री का, तो जो छोटी सुई होगी वो 22.5 डिग्री का डिफरेंस तय करेगी, क्योंकि 180 पर कितना कर रही है वो, 180 पर कर रही है कितना, 15 डिग्री, और 45 मिनट पर कितना कर रही है, 7.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री का। जब भी ये 12 से 9 पर आएगी तो इस छोटी वाली सुई के अंदर 22.5 डिग्री का कोण बनता है बच्चों, और अगर ये पूरा घूम जाती 360 डिग्री तो छोटी सुई जो होगी वो आपको पता है कि 30 डिग्री की दूरी तय करेगी, 30 मिनट नहीं 30 डिग्री की दूरी तय करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। यदि इस पर कोई भी डाउट आता है, कैसा भी क्वेश्चन है, तो आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हो, आप अपनी बातों को रख सकते हो, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चीज़ों को, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे देखते हैं।
देखो बच्चों, टाइप वन देखिए, टाइप वन देखिए, दो सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना, दो सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना, दो सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, तो यहाँ पर 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, 10 है और 11 है। मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे कहा कि भैया बताओ 12 बजकर के और 20 मिनट हो रहा है, 12 बजकर के 20 मिनट हो रहा है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण जो बनेगा 12 20 पर जो कोण बन रहा है, ये 12 20 पर कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो आप इसको निकाल सकते हो, आप एक फार्मूला है, एक छोटा सा फार्मूला, उसको आप याद रखिए और वो घड़ी की अधिकांश समस्याओं में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक फार्मूला है 30h प्लस m बाई 2 और अप्रॉक्स 6m, ये फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए और सभी तरह के प्रश्नों में, अधिकांश तरह के प्रश्नों को ये हल कर देगा। बच्चों यहाँ पर जो h का मतलब है, h का मतलब है आवर, h o u r आवर, और m का मतलब है मिनट, M-I-N-U-T-E, मिनट। एच का मतलब है आवर और एम का मतलब है मिनट। जैसे मान लीजिए कि आपको समय यहाँ पे कितना दिया है, 12 बज करके 20 मिनट, 12 बज करके 20 मिनट का समय दिया है, तो 12 की वैल्यू, 12 एच है, आवर है, और एम क्या है बच्चा, 20 मिनट है। तो 12 बज करके 20 मिनट, अब हम इस चीज़ को जस्ट यहाँ पे पुट कर दें, अगर पुट कर दें तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो 30h प्लस m बाई 2 और अप्रॉक्स 6m है, कुछ नहीं करना है, 30 गुड़े h, h की वैल्यू क्या है बच्चों, 12, तो 12 रख दिया, और प्लस m, m की वैल्यू क्या है, 20 बटे 2 और अप्रॉक्स 6 और इंटू m, m का मान कितना है, 20। ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे कि 30h है, तो h की वैल्यू 12 रख दी हमने, और प्लस m बाई 2, m का, m की वैल्यू क्या है, मिनट कितना है यहाँ पे, 20 मिनट है, तो हमने यहाँ पे 20 रखा, बटे 2 कर दिया, और डिवाइडेड बाई 6m, यानी कि 6 गुड़े 20। बेटा अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब ये दोनों गुड़े में हैं, तो 6 गुड़े 20। अब जब इसका हल करोगे आप, तो 12 का 30 से गुणा करेंगे, तो 12 का 30 से गुणा करेंगे, तो 12 को 3 से गुणा करिए, तो 12 3 36, 360 आ गया, 360 प्लस 20 को 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और अप्रॉक्स करेंगे तो 6 दूना 12, 120 हो गया, जीरो लगा देंगे, 120 हो गया, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। अब ये दोनों जोड़ने पे हैं, ये माइनस है, 120 है, तो 360 प्लस 10, 370 हो गया, और माइनस लगा दीजिए 120, 370 में से अगर आप 120 घटाते हो तो बचता है 250 डिग्री। बच्चों इसका जो आंसर 250 डिग्री आया है, ये आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता। इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि एक घड़ी के अंदर दो सुई जो होती हैं, दो कोई भी जो सुइयां होती हैं, वो अधिकतम 180 डिग्री का कोण बना सकती हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक घड़ी के अंदर जो दो सुई होती है वो अधिकतम 180 डिग्री का कोण बना सकती है, और एक सुई जो होती है वो अधिकतम 360 डिग्री का कोण बना सकती है। तो हमने इन दोनों सुइयों के बीच कोण निकाला है तो हमारा वैल्यू 250 आया है। तो आप एक बात को ध्यान रखना कि जब भी कभी ये सॉल्व करने पर वैल्यू 180 से ऊपर जाए तो आप उसको 360 से घटा देंगे, 360 से घटा देंगे, प्राप्त हुए आंसर को 360 से घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ बचाओगे तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचेगा, छः में पाँच गया तो एक बचेगा,
और 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, यानी कि अगर 12:20 हो रहा है तो इन दोनों सुइयों के बीच में जो यह कोण बनेगा, ये वाला कोण, इसका मान 110 डिग्री होगा। अब इसी तरीके से आप किसी भी समय का आप कोण निकाल सकते हैं, आप इसी तरीके से किसी भी समय का कोण निकाल सकते हैं। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप निकाल के देखें 1:40 पर, आप निकाल के देखें 11:20 पर, आप निकाल के देखें 9:50 पर, तो आप निकाल करके देखें 3:45 पर। तो आप इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को अब आप ट्राई करें, इसी फार्मूले पर करें। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग टाइप को चेंज कर देंगे। तो घड़ी की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करने का ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 30H प्लस एम बाई 2 और अप्रॉक्स 6M, ये फार्मूला है। और इसी फार्मूले पर आप किसी भी तरह के कोण को ज्ञात कर सकते हैं। क्या मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही होगी तो 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना। 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, वहाँ समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे इसमें एक ऑड नंबर का ले लेते हैं, जैसे कि 3:45 पर। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि अगर घड़ी में 3:45 हो रहा है तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों 3:45 पर चित्र कैसा बनेगा? हालांकि चित्र आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इमेजिन करने के लिए, आपको जस्ट दिखाने के लिए ये मैं बना रहा हूँ कि 3:45 पे लगभग कुछ ऐसा होगा, 4 के आसपास सुई आ रही होगी और बड़ी सुई कितनी पर होगी? 9 पर होगी। तो बच्चों हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये कोण कितना होगा। 3:45 हो रहा होगा तो कुछ ऐसा समय दिखा रहा होगा, और इस समय को हम लोग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कैसे बनेगा कोण। ये 3:45 है, तो 3:45 में 3 की जो वैल्यू है वो h है, और 45 जो है वो बच्चों क्या है, m है। तो hm, तो 30h प्लस m बाई 2 और अप्रॉक्स 6m, हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो h का मान 3 है, तो 30 × 3 प्लस m की वैल्यू कितनी है, 45 बटे 2, सॉरी मैंने लिख दिया 42, इसको फिर से लिख लेते हैं 45 बटे 2 और अप्रॉक्स 6 × 45, इसको करेंगे तो 30 × 3 = 90, और प्लस इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 22.5 आएगा, इसको आधा करेंगे तो, और माइनस का इसको आप गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, हासिल लगा 3, और 6×6 = 24, 3×7 = 27, 270 डिग्री। इसको आप जोड़ेंगे बच्चों तो इसकी जो वैल्यू होगी 112.5 आएगा, और माइनस का 270। ये मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स लगाया था, अब देखिए संख्या बड़ी ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, तो 270 माइनस का 112.5, 0.5 लगाइए, घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में 2 गया तो 7, और बच्चों यहाँ बचेगा 6, 6 में 1 गया तो 5, और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 157.5 डिग्री का कोण बनेगा। 157.5 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये एंगल की जो वैल्यू है बेटा वो 157.5 डिग्री, 1 डिग्री का कोण, ये कोण बनेगा बेटा, ये कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उससे हमारी अवधारणा पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कैसा भी डाउट होता है, किसी भी तरह का संदेह होता है, तो आप मुझसे कमेंट करके इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। एक व्यक्ति जो है, एक छात्र, इसको बस 3 छात्र तक पहुँचाए। मेरी आपसे यही विनम्र निवेदन है कि एक छात्र कम से कम 3 अपने मित्रों को बताए, बस उस पर जो है हम लोग सक्सेसफुल अपने आप को महसूस करेंगे, सफल महसूस करेंगे। आपका सहयोग हमें ऊर्जा प्रदान करेगा बच्चों, तो आपका सहयोग मैं चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि बेहतर चल रही है क्लासेस, तो आप कम से कम 3 छात्रों तक मेरी इस क्लास को पहुंचाइए। यही आपका मेरे लिए रिस्पेक्ट होगा, पेमेंट होगा,
आप जो मुझको गुरु दक्षिणा कह सकते हैं, ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी कि आप कम से कम 3 पढ़ने वाले बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। यदि आप स्वयं संतुष्ट हैं तो अब तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर अगर हम तीन देखते हैं तो जैसे किसी ने कह दिया कि बताइए 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया, तो बच्चों एक सिंपल सी बात समझना कि ये हमें और आपको दोनों को पता है कि एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। एग्जैक्ट 12 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। क्योंकि अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर हम घड़ी में देखते हैं, तो बच्चों यहाँ से एकदम साफ स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे देखिए आप, ये 9 है, अगर हमने यहाँ से देखा ठीक 12 ये है और ये 12 ये है, तो मैंने आपसे कहा कि ठीक 12 बजे 0 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन क्या इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि 12 बजे 0 डिग्री का ही कोण बनेगा? देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। क्या 12 बजे को हम 11:60 लिख सकते हैं? क्या 12 बजे को हम लोग 11:60 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो 11 है और m की जो वैल्यू है कितनी है, वो 60 है। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आपने जब पुट किया तो 30 × h, h का मान कितना है 11, और प्लस m बाई 2 यानी कि 60/2 हो जाएगा, और अप्रॉक्स 6m होता है। तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू लिख देंगे 6 × मिनट की वैल्यू क्या है 60। सॉल्व करेंगे तो 11 × 3 = 33 यानी कि 330 आ गया, और प्लस यहाँ से अगर आप करेंगे तो 30 आएगा काटने पे, 2 × 2 और 30 बार में 60 कट जाएगा, तो 30 लिख दिया, और माइनस का 360, 6×6=36 और 0 = 360, तो 360 और माइनस का 360, अगर ये से ये कट जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब ठीक 12 बजेगा तो वहाँ पर एग्जैक्ट जो कोण होगा उसका जो मान होगा वो कितना होगा बच्चों, वो ठीक 12 बजे कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जो अपनी अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि 180 डिग्री का कोण कैसे निकालें। आपको पता है कि हर एक घंटे में 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन एक घंटा ऐसा है जहाँ पे नहीं बनता है। तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, और हम लोग ये देखेंगे कि हर घंटे में 180 डिग्री का कोण कितने कितने बजे बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में ही जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे फाइंड करें, 90 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है और कब कब बनेगा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री का कोण, संपाती कोण जो है वो कब बनेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग डायरेक्शन बेस पर क्वेश्चन करेंगे कि घड़ी की सुइयों को दिशा पर आधारित मान के कैसे प्रश्न होगा। उसका हम लोग प्रतिबिंब भी देखेंगे, हम लोग जल दर्पण भी देखेंगे, और उसके बाद जो फोर्थ वीडियो होगी उस फोर्थ वीडियो में हम लोग घड़ी के तेज या मंद होने की प्रक्रिया को समझेंगे कि उस पर कैसे किस तरीके से प्रश्न बनता है। तो 4 वीडियोस में मैं ये पूरे क्लॉक को ख़त्म कर दूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रीजनिंग के सभी टॉपिक को हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से करेंगे कि आपके 95% मार्क्स मैं सिक्योर करवा दूंगा रीजनिंग में। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो क्लासेस, अगर पॉसिबल है अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आते हो तो वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं सेक्शन वाइज, और बहुत विस्तृत रूप से हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पर डे 7 से 8 घंटा की क्लास चला रहे हैं, एक बच्चे को पर डे 7 से 8 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं। एक बैच हमारा 8 घंटे का है, 7 घंटे का है। तो हम लोग ऑफलाइन मोड में क्लासेस प्लस प्रैक्टिस, मनी ओरिएंटेड, पैसे के लिए के लालच में आकर के नहीं पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि हम लोग एक सकारात्मक प्रभाव समाज पर छोड़ सकें, एक सकारात्मक ऊर्जा को हम लोग बिखेर सकें। उद्देश्य मुख्य रूप से यही है, इसीलिए हम लोग ऑफलाइन क्लास में 7 से 8 घंटा की क्लास देते हैं। थैंक यू गाइस सो मच। शेयर जरूर करिएगा अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ। मैं आपका ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।